सरायकेला में चंद्रवंशी समाज विकास समिति, मगध सम्राट ट्रस्ट और रोटरी क्लब जमशेदपुर मिड टाउन के संयुक्त तत्वाधान में आदित्यपुर स्थित मगध सम्राट अस्पताल परिसर में द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विजय कुमार ने किया। शिविर का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, इससे मनुष्य के स्वास्थ्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य को रक्तदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। 1 अक्टूबर से कोई भी सर्जरी होने पर 25 से 40% की छूट दी जाएगी। 1 अक्टूबर से इसे ट्रस्ट घोषित कर दिया गया है। आयोजन रक्तदान महादान में आए हैं और 6 से 7 बार रक्तदान है और हम अपने साथ में मित्रों को भी लेके आए हैं और उसको भी बोलते हैं रक्तदान करो क्योंकि रक्त महादान है। हम करना हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे रक्त से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त मिलता है। हमारे रक्त से लोगों की जीवन बचती है, ये सबसे बड़ी दान है। और आज ब्लड देने के बाद और लोगों को आप प्रेरित करेंगे ब्लड देने के लिए? हमें रक्तदान करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और आने वाले लोगों के लिए भी अच्छा होता है, जो मुश्किल में फंसते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। मुंशी विकास समिति सरायकेला एवं रोटरी क्लब के तरफ से ब्लड रोटरी क्लब मिट्टान की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप है जो हर साल अगले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। और इसी तरह हम लोग मगध सम्राट एक ट्रस्ट हम लोग लॉन्च किए आज के डेट में, जो अपने मगध सम्राट हॉस्पिटल आने वाले समय में मगध सम्राट हॉस्पिटल मगध सम्राट ट्रस्ट में आ जाए और उसमें आपका जो भी आएंगे ट्रस्ट के थ्रू से उनको 25 से 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट के तरफ से आएंगे। अब मगध सम्राट